से भी वंचित रखा था। आज बीजेपी सरकार एमपी में 5.5 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख गरीब और वंचित लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल 10% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। अधिकांश आदिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुविधा तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में एमपी के करीब 70 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नौर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैंड भी दिया गया, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेसा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर कांग्रेस है जो अभी भी अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है। भाजपा जब देश में पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। ये हमारी सरकार है जिसने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। ये हमारी सरकार ने टंटियांग मामा को सम्मान दिया। ये हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। आप मुझे बताइए, इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए क्या? एक पर भी मिलना चाहिए क्या? पूरी तरह क्लीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, कांग्रेस ने अब आजकल एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है।
इसलिए ये लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला हूं। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। मैंने महाकाल से देश सेवा के लिए गालियां और अपमान को बर्दाश्त करना सीखा है, और मैंने देश विरोधी ताकतों को अंजाम तक पहुंचाना भी सीखा है। मोदी इनकी गीदर भभकियों से डरने वाला नहीं है। साथियों, ये इंडी गठबंधन मुझसे कितना चिढ़े हुए हैं ये पूरा देश देख रहा है। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। बालाघाट की ये धरती, राम पायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडी अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर चुनाव में उतरे हैं। भाइयों और बहनों, मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्मनी है। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडी अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रहूंगा। अगले 5 साल ये काम और तेजी से होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सख्ती से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले सके, इसलिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। बीजेपी ने बालाघाट से श्रीमती भारती पारधी को
और मंडला से श्री फगन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया है। इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी। 19 अप्रैल को गर्मी कितनी ही भयंकर क्यों न हो, हमें मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। तोड़ेंगे, इस बार हमने हर पोलिंग बूथ जीतना है। जीतोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? इधर से तो आवाज नहीं आ रही है। करोगे? वो पीछे से आवाज नहीं आ रही। मेरा काम करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? देखिए, 19 अप्रैल तक आप अनेक परिवारों में जाएंगे, जब उन सबको मिलने जाएं तो उनको कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे, हर घर में पहुंचा दोगे। जब मेरा प्रणाम आप पहुंचाओगे ना, तो हर घर के माता बहनें मुझे आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है, देश के लिए दौड़ने की ताकत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।